रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस वक्त एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा वार्ता में हैं, जिसमें दोनों ही देशों के यूपीआई और पेनाव को कनेक्ट किया जा रहा है। आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। फ्रेंड्स, 5 साल पहले मैंने सिंगापुर में कहा था कि फिनटेक, इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव है।